संत बन गए, उनको सन्यासी संतों से बहुत ही लगाव था और वो 25 वर्ष की उम्र में ही वो एक महान संत बने और उन्होंने अपने देश के लिए हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और एक बार 1863 में इनका जन्मदिवस हुआ था, 12 जनवरी 1863 को आज ही के दिन जन्मदिवस हुआ था उनका। और 1879 में उन्होंने मैट्रिक 10th पास किया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें हिंदुस्तान से सभी धर्मों के धर्म गुरु बुलाए गए। तो हिंदुस्तान से हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी वेशभूषा को देख करके वहाँ के लोगों ने उनको अंदर जाने से भी रोका और उनकी वेशभूषा देख करके उनका मजाक बनाया। उनके सिर पर पगड़ी, तन पर चादर लपेटे हुए, भगवा धारी और हाथ में डंडा लिए हुए वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने उनका मजाक बनाया। तो वहाँ गए सभी लोग उनको देख करके उनकी वेशभूषा को, और बाकी वहाँ के लोग तो सभी सूट में और उसमें थे, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया। और एक महिला ने उनसे पूछा और उनसे कहा कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है और इसकी वेशभूषा देखिए कैसी है। तो उन्होंने जवाब दिया, बहन जी मैं उस देश से आया हूँ जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके आचरण व्यवहार और चरित्र से होती है। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, हमारे देश में वेशभूषा से नहीं व्यक्ति के आचरण व्यवहार और चरित्र और संस्कार से पहचान की जाती है। जब उन्होंने हिंदू धर्म के महत्व को बताया और वहाँ जब उनको बोलने का मौका मिला तो वहाँ उस सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हुई और उस समय से उनका वो भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, पूरे विश्व में उनका नाम है। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे संत हुए हैं, उनके वो केवल ज़्यादा उम्र नहीं, मतलब 40 वर्ष की उम्र में ही वो उनका निधन हो गया था, केवल 40 वर्ष ही, ज़्यादा जीवित नहीं रहे। 4 जुलाई 1902 को शाम के समय वो स्वस्थ अवस्था में ही थे और अंदर अपने रूम में जाकर के उन्होंने अपने शिष्यों को बुला के मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और उनको उन्होंने 9 बजे शाम को अपना शरीर छोड़ दिया। उनके शिष्यों का कहना है कि उन्होंने एक समाधि ली है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में देश को, देश की सभी समस्याओं को जाना और उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने गरीबों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और पूरे देश में सभी समस्याओं को जानने के लिए जिज्ञासु थे, भारत को ऊपर ले जाना चाहते थे, गरीबों के लिए सभी जातिवाद को खत्म करना उनका सभी, और युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया है, युवाओं को काफ़ी उनके लिए गुरु मंत्र दिए हैं। मैं सभी युवाओं से
कहना चाहूंगा कि उनके बताए गए मार्ग पर चले सभी। वो एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अपना लक्ष्य बनाओ। और वो एक आदर्श पुरुष, महान पुरुष संत थे। और एक उन्होंने यही बताया चरित्र के बारे में, तो सभी युवाओं से, सभी से मेरा यही कहना है। इंग्लिश में एक कहावत है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब है मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि आपने धन खो दिया है तो आपका कुछ नहीं गया है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपने स्वास्थ्य आपका खराब हुआ है, आपने स्वास्थ्य खोया है तो कुछ कुछ खोया है। बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपने अपना चरित्र खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। इसीलिए मेरा सभी से यही कहना है कि अपने चरित्र को बनाए रखें, चरित्रवान बने, कीर्तिवान बने, ऊर्जावान बने और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आप भी एक विद्वान संत स्वामी विवेकानंद की तरह अपनी एक पहचान बनाएं जिससे आपका नाम दो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।